أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم In previous lecture I have already discussed about the star topology So in this video I would like to discuss about the ring topology So ring topology topology means shape So ring ka kya matlab hai ring ka matlab hai ring ki shakal mein jo topology hoti hai network ki use ring topology kaha jata hai ye is tarah topology hai ki isme ek computer dusre computer ke sath अटैच होता है और दूसरा कंप्यूटर तीसरे कंप्यूटर के साथ और तीसरा कंप्यूटर चौथे कंप्यूटर के साथ अटैच होता है ठीक है इसकी डेफिनेशन क्या है इन रिंग टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर विद द लास्ट वन कनेक्टेड टू द फर्स्ट वन इस तरह टोपोलॉजी है कि इसमें हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच होता है और पहला कंप्यूटर दूसरे के साथ दूसरा तीसरे के साथ तीसरा चौथे के साथ और पहला कंप्यूटर आखिर में के साथ अटैच हो जाता है ठीक है फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक नेटवर्क है ठीक है इस नेटवर्क में हमारे साथ क्या है ये फोर सिस्टम लगे होते हैं फोर नोड्स है नोड वन नोड टू नोड थ्री नोड फोर ये एक दूसरे के साथ ये कंप्यूटर एक दूसरे के साथ रिंग की शक्ल में अटैच है इसलिए इसे रिंग नेटवर्क कहा जाता है इस रिंग टोपोलॉजी को रिंग नेटवर्क भी कहा जाता है ठीक है रिंग नेटवर्क और रिंग टोपोलॉजी का मतलब एक है क्योंकि इसकी शक्ल रिंग की शक्ल में होती है इसलिए इसे रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है ठीक है अब इसकी यूजेस क्या है ये कब इस्तेमाल होगा ये नेटवर्क उस वक्त इस्तेमाल होगा जब हमें हाई डेटा की हाई परफॉर्मेंस की ज़रूरत हो जब हम अपने डेटा फास्ट स्पीड से भेजना चाहता हो और लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजना चाहता हो तो ये नेटवर्क उस वक्त इस्तेमाल होगी इट इज़ यूज व्हेन हाई परफॉर्मेंस इज नीडेड व्हेन हाई परफॉर्मेंस डेटा इज नीडेड वी विल यूज़ दिस टोपोलॉजी दिस नेटवर्क सही है क्योंकि इसकी स्पीड 16 Mbps से लेकर 100 Mbps तक हो सकती है और ये लॉन्ग डिस्टेंस तक भी हम इस टोपोलॉजी को यूज़ करते हैं ठीक है वर्किंग क्या है ये किस तरह काम करता है तो इसकी जो वर्किंग मैकेनिज्म है ये बहुत ही सिंपल है ये टोकन पासिंग मैकेनिज्म पर काम करता है टोकन पासिंग मैकेनिज्म ये क्या है टोकन पासिंग मैकेनिज्म इस तरह का मैकेनिज्म है कि इस नेटवर्क में एक फ्री टोकन सर्कुलेट होता है ठीक है लेट्स सपोज ये एक नेटवर्क है सो इस नेटवर्क पर एक फ्री टोकन सर्कुलेट हो जाता है फ्री में सर्कुलेट है तो जो डिवाइस डेटा अपना डेटा सेंड करना चाहता हो डिस्टिनेशन को दूसरे नोड को तो ये अपना डेटा यहाँ पर इसमें अटैच करता है ये पहले इस टोकन को कैप्चर करता है और फिर इस टोकन के साथ अपना डेटा यहाँ पर यहाँ पर सेंडर आईडी सेंडर और यहाँ पर रिसीव यहाँ पर जो सेंडर आईडी और ये यहाँ पर रिसीवर आईडी अटैच करता है यानी एक तरफ सेंडर की आईडी होती है और दूसरी तरफ पर रिसीवर की डेस्टिनेशन एड्रेस की नोड की जो आईडी होती है वो भी अटैच करता है और इस ये डिवाइस इस टोकन को फॉरवर्ड करता है नेबर डिवाइस की तरफ ये नेबर डिवाइस जब इसको रीड करता है तो देखता है कि ये डेटा इसके लिए है या नहीं है अगर है तो डेटा रिसीव करता है और फिर इस टोकन को इस नेटवर्क में छोड़ता है अगर नहीं है तो फिर ये नोड दूसरे नोड को जो करीबी नोड होता है साथ ही नोड है उसको डेटा ट्रांसमिट करता है इस तरह ये टोकन एक नोड से दूसरे नोड में मुंतकिल हो जाता है तो आखिर में जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर होता है जब इसको पहुँच जाता है तो वो इस टोकन को रिसीव करके अपना डेटा लेता है और एक एम्प्टी टोकन इस नेटवर्क में रीजनरेट करता है फिर दूसरा नोड जो है इस टोकन को लेता है और अपना डेटा इसके साथ अटैच करता है तो इस तरीके में टोकन पासिंग मैकेनिज्म की तरह पर एक कंप्यूटर अपना डेटा इसके साथ अटैच करता है और फिर नेटवर्क में भेजता है अनटिल इट रीच टू इट्स डेस्टिनेशन इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस इट वर्क्स ऑन द मैकेनिज्म ऑफ टोकन पासिंग सो व्हेन अ नोड वांट्स टू ट्रांसमिट डेटा इट
रिसीव दैट टोकन एंड अटैच इट्स डेटा टू दैट टोकन एंड अटैच इट्स एड्रेस एंड द एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन विद दिस टोकन एंड ट्रांसमिट इट. द नेबर नोड विल रिसीव इट एंड विल लुक वेदर इट इज फॉर इट और नॉट. इफ इट इज नॉट देन इट विल रीट्रांसमिट इन टू द नेटवर्क अनटिल दिस प्रोसेस विल रिपीट अनटिल इट रीच टू इट्स डेस्टिनेशन. सो द डेस्टिनेशन डिवाइस विल रीड द इट्स ओन डेटा एंड विल रिमूव इट्स एड्रेस एंड विल रीजनरेट अ फ्री टोकन इन टू द नेटवर्क. सो दिस फ्री टोकन विल अगेन सर्कुलेट इन द नेटवर्क एंड अनटिल अ सेकेंड नोट विच वॉन्ट्स टू ट्रांसमिट डॉट डेटा विल कैप्चर द दैट टोकन एंड अगेन विल रिपीट दिस प्रोसेस. मैसेज फ्लो अराउंड द रिंग इन वन डायरेक्शन. सो इन दिस नेटवर्क डेटा विल बी ट्रांसमिटेड इन द वन डायरेक्शन मे बी इन टू डायरेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट दैट. ईच कंप्यूटर अटैच टू द नेक्स्ट कंप्यूटर इन अ रिंग एंड ईच रीट्रांसमिट वट इट रिसीव फ्रॉम द प्रीवियस वन. ऑलरेडी आई हैव डिस्कस इट. मैसेज फ्लो अराउंड द रिंग इन वन डायरेक्शन डेटा इन दिस नेटवर्क डेटा विल बी moves in one direction clockwise or anti-clockwise. Let's suppose this network consists of four nodes. Okay, so this will transmit its data to this one in this way. Okay, or it may transmit in form of anti-clockwise direction. Okay, dono taraf se एक पाथ पर ये क्लॉकवाइज की शक्ल में भी डाटा भेज सकता है और एंटी क्लॉकवाइज की शक्ल में भी डाटा भेज सकता है. ठीक है. नो टर्मिनेशन बिकॉज देयर इज नो नीड नो एंड ऑफ द नेटवर्क. इसमें कोई टर्मिनेटर नहीं होता. क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंड नहीं होती. इस नेटवर्क की कोई एंड नहीं होती इसलिए इसमें कोई टर्मिनेटर नहीं लगा हुआ होता है. जस्ट लाइक बस टोपोलॉजी में टर्मिनेटर एंड पर अटैच होता है क्योंकि इसका एंड एक एंड होता है और जब वो डेटा उस एंड पर जाता है तो वो एनर्जी डिसिपेट हो जाती है. कोलिजन होती है, एनर्जी ज़ाया होती है. तो वहाँ पर हमने दोनों तरफ पर या एक ही तरफ पर आप टर्मिनेटर अटैच कर सकते हैं. यहाँ पर टर्मिनेटर की ज़रूरत नहीं. डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स विच आर बाई डायरेक्शनल एंड यूनि डायरेक्शनल. दिस नेटवर्क में भी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स यूनि डायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल. यूनि डायरेक्शन का मतलब है यूनि मीन्स सिंगल, बाई मीन्स टू. सो इन बाई डायरेक्शनल का क्या मतलब है? बाई का मतलब है टू. सो डेटा जो है ये दोनों डायरेक्शन में जा सकता है क्योंकि इसमें टू रिंग्स है. इसमें टू रिंग, बाई डायरेक्शन का मतलब है टू. तो इसमें डेटा इस सिमत में भी जा सकता है एक रिंग में और दूसरे रिंग में इस साइड भी जाता है. ये बाई डायरेक्शनल है. बाई डायरेक्शन बाई का मतलब है टू. तो इसमें इस नेटवर्क के दरमियान टू पाथ्स होते हैं. कितने पाथ्स? टू पाथ्स. ठीक है. तो एक पाथ एक डायरेक्शन के लिए यूज कर किया जा सकता है और दूसरा पाथ दूसरे डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करता है. एंड यूनि डायरेक्शन और यूनि डायरेक्शन में डाटा जो है ये सिर्फ एक ही पाथ पर मूवमेंट करते हैं फ्रॉम वन पाथ टू एंड अदर जस्ट लाइक इट इन द क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज. ठीक है. सो एन यूनि डायरेक्शन नेटवर्क डेटा फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन clockwise or anti-clockwise. I have already discussed. इसकी example क्या है? Half duplex network. Half duplex network जो है ये इसकी example है. Half duplex network में आप जब keyboard से inputting करते हो computer में तो ये half duplex है क्योंकि data जो है keyboard से monitor तक जाता है, system तक जाता है सिर्फ एक ही direction में. या जब आप TV देखते हैं तो station से डेटा आता है और हम रिसीवर पर उस डेटा को रिसीव करते हैं. हम वापस वीडियो नहीं भेजते. ठीक है. इन बाई डायरेक्शनल नेटवर्क डेटा फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन टू नोड्स. बाई डायरेक्शनल में डेटा दोनों तरफ जा सकता है. सेंडर से रिसीवर तक और फिर रिसीवर से डेटा सेंडर भी रिसीव कर सकते हैं सिमल्टेनियसली एक ही टाइम पर. डुअल रिंग नेटवर्क भी कहा जाता है जिसमें दो रिंग है. ये बाई डायरेक्शनल है, ये यूनि डायरेक्शनल है. यूनि डायरेक्शन में सिंगल रिंग होता है. बाई माना बाई मीन्स टू. तो इसमें टू रिंग्स होते हैं. एक रिंग क्लॉकवाइज के लिए, दूसरा रिंग एंटी क्लॉकवाइज के लिए इस्तेमाल होता है. इसमें टू पाथ्स है. इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये कि खुदा ना खास्ता अगर एक केबल ख़राब हो जाए
एक रिंग खराब हो जाए तो दूसरा रिंग हम डेटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसी बाई डायरेक्शनल है और डुअल नेटवर्क है, ये फातवन है। इस अगर ये डेटा सेंड करता करना चाहता हो इस यहाँ इस पोर को, और अगर ये केबल टूट जाए तो नेटवर्क तो पेल हो टूट जाता है, तो ये दूसरा जो है ये वाला पाथ भी इस्तेमाल करता है इन द रिवर्स डायरेक्शन। इसका फायदा ये है कि अगर खुदा ना खास्ता एक केबल एक सिस्टम खराब हो जाए, एक पाथ खराब हो जाए, तो दूसरा पाथ भी डेटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, टेलीफोन है, ठीक है। टेलीफोन में जिसने कॉल की हुई हम उसकी बातें भी सुनते हैं और रिसीवर जो है उससे बात भी कर सकते हैं सेम टाइम पे। इसकी मिसाल आप इस तरह भी ले सकते हैं कि एक रोड है, वन वे रोड है, सॉरी एक रोड है जिसमें टू पाथ्स है, ठीक है, तो क्या है बाई डायरेक्शनल। अब एक रोड है इसमें वन पाथ है तो यूनिडायरेक्शनल। एक एग्जांपल इस तरह है, ये लेट सपोज ये सेंडर है, ठीक है, और ये रिसीवर है। अब ये सेंडर इसको डेटा एक ही पाथ पर भेजता हो लेकिन वापस रिसीव नहीं करता, ये क्या है यूनिडायरेक्शनल। अब अगर इस तरह है, ये भी डेटा इस पाथ पर डेटा ट्रांसमिट करता है और इस पर रिसीव करता है, तो ये बाईडायरेक्शनल है। अंडरस्टैंड? अच्छा, एम्प्टी टोकन आर फ्रीली सर्कुलेटेड, इसमें एम्प्टी टोकन फ्रीली सर्कुलेट हो जाते हैं, नेटवर्क में होते हैं। द सेंडर नोड अटैच इट्स डेटा विद दिस टोकन एंड सेंड टू द नेक्स्ट नोड इन द नेटवर्क। जो नोड डेटा ट्रांसमिट करना चाहता हो वो इसको टोकन को रिसीव करेगा, कैप्चर करेगा और अपना डेटा इसके साथ अटैच करके भेज देगा नेबर नोड को, नेबर फिर दूसरे नोड को भेजता है अनटिल ये अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। जब पहुंच जाता है तो अपना डेटा रीड करता है और अपना एड्रेस रिमूव करता है और एक दूसरा प्री टोकन जनरेट करता है जो इस नेटवर्क में सर्कुलेट होता है। दूसरा नोड जो इस डेटा को फिर भेजना चाहता हो वो इसको अगेन कैप्चर करता है और डेटा को दूसरे नेटवर्क को भेजता है। तो इस तरह हर एक नोड एक्टिव सर्वर के तौर पर काम करता है, वो डेटा को लेता भी है और फिर रीजनरेट भी करता है। दिस स्टेप इज रिपीटेड अनटिल द डेटा रीच टू द डेस्टिनेशन। सो दिस इज़ वेरी सिंपल टोपोलॉजी एंड द मेन ड्रॉबैक्स वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट द मेन एडवांटेज ऑफ दिस नेटवर्क इज द हाई परफॉर्मेंस। वी यूज दिस नेटवर्क फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क में हम ये टोपोलॉजी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी स्पीड, इसकी बैंडविड्थ बहुत हाई है, 16 Mbps से लेकर 100 Mbps तक इसकी स्पीड जाती है, तो इस लिहाज से ये दूसरा इसका जो फ़ायदा है फॉल्ट टॉलरेंट भी इसमें बहुत, जिसमें जो जिस सिस्टम में ख़राबी हो, जिस सिस्टम में जिस केबल में ख़राबी हो तो ट्रबल शूटिंग भी इसमें बहुत आसानी के साथ होती है, इसमें कोलिजन भी नहीं होती, ठीक है, डेटा एरर फ्री जाती है। और इसका जो मेन ड्रॉबैक है इतना कॉस्टली भी नहीं है, ठीक है, हाइब्रिड नेटवर्क की निस्बत और ट्री नेटवर्क की निस्बत ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। और अगर इसकी ड्रॉबैक पे आ जाए तो इसका जो मेन ड्रॉबैक है ये है कि अगर खुदा ना खास्ता एक केबल टूट जाए तो सारा नेटवर्क ख़राब हो जाता है। अगर ये वाला केबल लेट सपोज इस तरह डेटा भेजता हो वन, तो अगर ये केबल ख़राब हो जाए ये वाला, तो फिर 1.4 को डेटा नहीं भेज सकता। तो अगर एक सिस्टम ख़राब हो जाए, एक केबल ख़राब हो जाए, तो फिर सारा नेटवर्क डिस्टर्ब होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और आप अगर आपके दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, तो उसके साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।